नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जाना पहचाना चेहरा, जाने माने अभिनेता, टेलीविजन और सिनेमा से गहरा ताल्लुक रहा है एक बहुत बड़ा नाम, श्री सुरेंद्र कौल जी का। स्वागत करती हूँ सर आपका। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत सर आपका रूबरू के इस मंच पर। अरे सर मेरे सभी दर्शकों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। सर, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट ये है कि आजकल जैसे लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, ऑडियंस नहीं आएंगे तो लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी, कोरोना का कोविड का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मायूसी है सबके दिलों में, खास तौर पर जो यंग परफॉर्मर्स हैं। तो मैं ये जो कला का जो रास्ता है ये बहुत आसान नहीं है, देखने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और पैशन की जरूरत रहती है। तो हमारे यहाँ जितनी भी सेलिब्रिटीज रहती हैं तो हमारा मकसद ये है कि उनकी जो इंस्पिरेशनल लाइफ की जर्नी है वो उन तक पहुंचे और उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा सर कि जो आपकी जर्नी रही है वो इस क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में किस तरह की मुश्किलात आपने तय की और किस तरह से परिवार से आपको सपोर्ट मिला, क्या मुश्किलात रही, तो मैं चाहूंगी वो आप हमसे साझा कीजिए। अजल जी, पहली बात तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष आपका जीवन भर खत्म नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई चीज आपको बड़ी चीज हासिल भी नहीं होती, ये भी सच्चाई। और यदि मैं संघर्ष का नाम ले रहा हूं तो आप ये सोच सकती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है आदमी को, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब मैंने अपना जीवन का करियर शुरू किया था 80 में, तब टेलीविजन नहीं हुआ करता था, बिल्कुल भी नहीं था। एक चित्रहार और छाया गीत आया करते थे, दूरदर्शन जी पे आधे घंटे के लिए गाने बजते थे, बस उतना ही होता था। हम लोगों को फिल्म के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता था और उम्मीदें थी, उम्मीद थी कि कभी ना कभी कोई ना कोई छक्का लगेगा हाथ से, और प्रयास करते रहना चाहिए था। और हम प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे, और प्रयास करते करते एक दिन मंजिल के नियर अबाउट पहुंच ही गए थे। और फिर 1988 में महाभारत मिली और फिल्मों में इतना अच्छा रुझान नहीं रहा, क्योंकि फिल्में कुछ फ्लॉप भी हुई और कुछ हिट भी हुई, लेकिन एक मुकाम जिसे कहते हैं बना लेना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहा था। और उसके बाद हमने टेलीविजन की तरफ अपना रुख अख्तियार किया, लेकिन टेलीविजन में भी मैंने ये देखा कि हमें हर बार, काजल जी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है यहाँ पे। यू मीन टू से लुक टेस्ट जिसे कहते हैं ना, कि इतना साल, इतनी लंबी 32 ईयर्स यात्रा रही है फिल्म में काम करते करते। और द्रोणाचार्य का रोल जब मैंने किया था 88 में, तब मैं काफी जवान था, यह सफेद दाढ़ी नहीं थी उस वक्त मेरी, लेकिन उस वक्त लगाई थी, इस वक्त रियल है। मैं अपने दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि वो ये ना समझें कि कहीं मैं गेटअप वेटअप कर कर आ गया हूँ यहाँ पर, क्योंकि काजल जी आज हमारे मंच पर बैठी हैं, इंटरव्यू ले रही हैं, तो उन्हें लगा कि कहीं हम गेटअप वेटअप करके ना आ गए हों। तो इस वक्त मैं गोवा में बैठा हूँ, बम्बई से काफी दूर हूँ, अपने परिवार के साथ। और तो मैं आपसे यही बता रहा था कि संघर्ष जो था, अग्नि परीक्षा आज भी देनी पड़ती है, अब भी देनी पड़ती है। हर हर जगह एक लुक टेस्ट होता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो क्या है। हमारे यहाँ एक प्रचलन है बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड तो अब नाम रखा गया था, पहले उसको बम्बई फिल्म इंडस्ट्री कहा करते थे, लेकिन बॉलीवुड रखने वाले वही लोग हैं जो हॉलीवुड की नकल करते हैं। तो उन्होंने रखा कि भाई अगर वो हॉलीवुड है तो उसका नाम बॉलीवुड रख दिया जाएगा। तो हमारे मुंह से भी अब यही निकल जाता है कि बॉलीवुड में एक प्रचलन होता है कि हम हॉलीवुड की नकल करते हैं। हॉलीवुड में हर कैरेक्टर के लिए एक ऑडिशन होता है, एक ऑडिशन, एक टेस्ट की तरह के जैसे कहते हैं ऑडिशन होता है, और उसके बाद कलाकार का चयन किया जाता है।
और सभी कलाकारों को इस दौर से गुजरना पड़ता है। फिल्म के कलाकारों को हमारे बॉलीवुड में प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आज भी जो है लुक टेस्ट लेते हैं। और आपने भले ही कितनी फिल्में की हैं, कितने सीरियल किए हैं, आज करीब मैंने 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ, करीब 32 साल से टेलीविजन की इंडस्ट्री में हूँ, कोई भी काजल जी ऐसा रोल नहीं बचा है जो मैंने नहीं किया, जो नहीं किया। यदि आप कहें रावण का रोल, तो यस आई हैव डन रामायण, जी टीवी पे आप गूगल पे जाके देखेंगे उसमें भी पालेंगे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, परशुराम, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जी हॉरर शो और शक्तिमान में मैं किलविश एक एलियन बना था, अंधेरा कायम रहे एक एलियन बना था उसमें, और वो मेरी भूमिका बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल किसी भी भूमिका से मिलती हुई नहीं थी। तो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करते करते मैं जीवन में जिस मुकाम पे पहुंच गया हूँ, जहां अपने आप को काफी संतुष्ट पाता हूँ एज ए कलाकार के तौर पर भी, कि जितनी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करने की मुझे टेलीविजन में मिली हैं, और मैं टेलीविजन का बहुत बहुत आभार प्रकट कर सकता हूँ और खास तौर से दूरदर्शन का करूंगा, क्योंकि दूरदर्शन की वजह से ही आज हम लोग सब दिखते हैं, जितने भी कलाकार महाभारत या रामायण वाले हैं सभी दूरदर्शन की वजह से ही दिखते हैं, और दूरदर्शन ने हमको एक बहुत बड़ी पूरे पूरे हिंदुस्तान में हमें एक गांव गांव छोटे छोटे कस्बे तक हमको जो पहुंचाया है वो दूरदर्शन ने ही पहुंचाया है। इसके लिए हम दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके इस माध्यम के द्वारा। थैंक यू काजल जी। और हमने जो जिसे कह रहे थे, मैं आपको जो इस टॉपिक पे बात कर रहा था कि अग्नि परीक्षा आज भी मुझे देनी पड़ती है, आज भी मुझे टेस्ट देना पड़ता है, आज भी मेरा टेस्ट देखा जाता है, और कई बार मैं सेलेक्ट होता हूँ और कई बार मैं रिजेक्ट भी हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कई बार भूमिकाओं में उनको लगता है कि सुरेंद्र पाल जी शायद वो नहीं है, लेकिन जितनी जब कोई बहुत पावरफुल रोल आता है, जब भी किसी चैनल पे या किसी भी धारावाहिक में, तो सबसे पहले वो रोल मुझे ही ऑफर किया जाता है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने उन सभी भूमिकाओं को चरितार्थ करने की कोशिश की है, और चुनौती के रूप में मैंने उन रोलों को स्वीकार किया, और चुनौती समझ के ही मैंने उन रोलों को किया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको द्रोणाचार्य के रोल में महाभारत में लोगों ने बहुत पूरे हिंदुस्तान ने देखा होगा करीब करीब, और उसके बाद ही शक्तिमान आ गया था, किलविश बन गया था। द्रोणाचार्य कहाँ, द्रोणाचार्य एक सौम्य इंसान, एक जिसमें बहुत ठहराव है, एक टीचर है जिसमें एक बहुत गरिमा है, मर्यादा है, और वो आदमी जो है अपना शक्तिमान में एक एलियन है जो एक अलग देश का कैरेक्टर है, और उसका मेकअप अलग है, उसका गेटअप अलग है, उसकी हाव भाव अलग है, उसके बात करने का ढंग बिल्कुल अलग है। तो सभी तरह की भूमिकाएं मुझे चुनौती के रूप में मिलती चली गई, और मैं चुनौतियां स्वीकार करता चला गया, और आज जीवन के 10,000 एपिसोड करके आज काजल जी के द्वारा, आज फेसबुक के द्वारा मैं अपने दर्शकों के बीच में आ गया। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि बिना संघर्ष के आपको जीवन में कुछ मिलेगा नहीं, ये भी बता, चाहे संघर्ष किसी भी दिशा का हो, चाहे वो टीचर का प्रोफेशन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, फोटोग्राफी हो, कोई कोई भी प्रोफेशन, अगर आप शेयर मार्केट में भी जाते हैं तो वहां पे भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, तभी आप कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। दैट इज ट्रू। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर गुरु द्रोण की बात हम कर रहे थे, महाभारत को इतने साल हो गए, लेकिन अगर हम यंग जनरेशन की भी बात करें जो हमसे आगे नेक्स्ट जनरेशन है, उन तक को आचार्य द्रोण का पता है, इतना मकबूल, इतना पॉपुलर करेक्टर रहा है आचार्य द्रोण का, तो मैं उस करेक्टर से जुड़ी आपकी कुछ यादें, किस तरह से आपने उसकी प्रिपरेशन की, तो मैं चाहूंगी अगर आप हमसे साझा करें तो ये हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहेगा। कभी कभी जो है कुछ चीजें आदमी रिजेक्ट कर देता है और वही जीवन का उसका
माइलस्टोन बन जाता है। जैसे एक फिल्म बनी थी शोले, उसमें गब्बर सिंह का रोल पहले शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया था, सेकंड चॉइस डैनी को दी गई थी, और थर्ड चॉइस के लिए रमेश सिप्पी जी के असिस्टेंट थे अमजद खान साहब, उनको कहा गया कि नहीं भाई तुम करो ये रोल, और उन्होंने किया। और उनका जो मोटापा और उनका जो एक गेटअप था वो इतना सूट कर गया उस रोल के अंदर कि गब्बर सिंह पूरे हिंदुस्तान में गब्बर सिंह के द्वारा जाना जाने लगा, और पूरे हिंदुस्तान में लोगों में आज उनकी एक पहचान बनी। तो कहने का मतलब ये था, किसी ने रिजेक्ट किया, किसी के लिए बादी होती है कोई चीज और किसी के लिए आबादी होती है कोई चीज। मेरे लिए भी कुछ इसी तरह का था कि पहले द्रोणाचार्य का रोल मुकेश खन्ना कर रहे थे और भीष्म पितामह कोई और एक्टर कर रहा था, लेकिन उस एक्टर ने कहा कि मैं सफेद दाढ़ी नहीं लगा, और इसलिए उसने ये रोल छोड़ दिया। और उसने तो उस वक्त शूटिंग शुरू हो गई थी बीआर चोपड़ा साहब की, तो उन्होंने कहा भाई अभी तो तुरंत हमें भीष्म पितामह चाहिए, क्योंकि भीष्म बिगिनिंग के ही 3 एपिसोड में ही आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुकेश खन्ना को भीष्म बना दे, तो द्रोण से हटके मुकेश जी को भीष्म बना दिया। फिर द्रोण का रोल खाली हो गया, बोले द्रोण अभी नहीं आएगा, अभी 20-22 एपिसोड के बाद आएगा, जब बच्चे बच्चे अभी बड़े हो जाएंगे तब आएगा। तो उस वक्त उन्होंने फिर एक पूरी की पूरी जांच पड़ताल शुरू हो गई, सभी दिल्ली के एक्टर्स, चेन्नई के एक्टर्स, बड़े बड़े लहीम शहीम लोग कहने लगे, जो कौरवों और पांडवों का गुरु लगे, जिसकी आंखों में एक स्पार्क हो, जिसकी चाल जो है टाइगर जैसी हो, जो थप्पड़ मार के अर्जुन और दुर्योधन को बैठा दे, ऐसा एक शख्सियत चाहिए थी उनको। समहाउ गूफी पेंटल जी अंदर कास्टिंग डायरेक्टर थे, और उन्होंने फोन किया मुझे, और मैं उन दिनों घर पे ही बैठा हुआ था, सो रहा था। मैंने कहा जी मैं 1 घंटे ऑफिस आ सकता हूँ? बोले जल्दी आ जाओ, फौरन आ जाओ, तुम फौरन बस आ जाओ। मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे द्रोण का रोल बताया, तो मैंने कहा भाई द्रोण तो है, बुद्धा का रोल है, और ये बुद्धे का रोल मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं हीरो बनने आया हूँ बंबई इंडस्ट्री में। दिनों शक्ल सूरत भी मेरी अच्छी खासी थी, बड़ा हैंडसम लगता था, खूबसूरत लगता था, और मैंने कहा मैं तो हीरो बनने आया हूँ और आप मुझे बुढ़े का रोल बना रहे हैं, तो इसके बाद मेरे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में एक कहावत है कि भाई जिस चीज को आपने एक बार कर लिया तो वो पीछे ही आपके लग जाती है, और आप जो है एक एक हंगल जैसी भूमिकाएं जो है आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं थे, आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ना कर सकता था। संभव मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं, तो ये एक सीरियल है, आज बना है कल लोग भूल जाएंगे इसको, और हम कर लेते हैं चलो। और जो नाना करते करते वो फिर हाँ हाँ में परिवर्तित हो गई चीज, और मैंने उस रोल को कर दिया। हमें 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 क्या, महाभारत के किसी भी कलाकार को इस बात का इल्म नहीं था कि महाभारत इतनी पॉपुलर हो जाएगी, किसी को भी नहीं था। और जब महाभारत का पहला एपिसोड हुआ था, उसी वक्त हमने हमें लगा कि शायद ये हिंदुस्तान में एक इतिहास लिखने जा रही है ये कथा, बल्कि ये सीरियल नहीं था, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये इतिहास था जो हिंदुस्तान में लिखा गया, महाभारत का रामायण जैसे इतिहास लिखा है। और उसके बाद जो इसकी पॉपुलरिटी गेन होती चली गई होती चली गई, और ये हो गया है कि आज 32 साल हो गए हैं, मैं कहीं भी जाता हूं लोग मुझे मेरे नाम सुरेंद्र पाल सिंह से कम जानते हैं, द्रोणाचार्य से ज्यादा जानते हैं। लोग मुझे कहीं भी जाता हूँ कहते हैं द्रोणाचार्य आ गया, द्रोणाचार्य आ गया। आज गोवा में भी अगर कहीं जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं द्रोणाचार्य आ गया। और मुझे खुशी भी होती है कि मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से मुझे पहचान मिलती है, शायद वो कैरेक्टर लोगों के दिलों पर इतना छा गया है या दिलों को इतना अच्छा लगा है कि आज द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य बन गए हैं। और वो धारावाहिक जो है महाभारत धारावाहिक जिसको कह सकते हैं, वो एक ऐसा घोड़ा था जिसके ऊपर जितने भी सवार थे सब दिखते थे, सब दिखते थे। ऐसा नहीं भीष्म पितामह कोई लेस देन एनीबॉडी एल्स, कृष्ण अपनी जगह थे, दुर्योधन अपनी जगह थे, गूफी पेंटर जी अपनी जगह बहुत थे। तो
जितनी भूमिकाएं थी, अर्जुन की भूमिका थी, जितनी भी भूमिकाएं थी, वो सभी की सभी भूमिकाएं ऐसी मेमोरेबल भूमिकाएं थी कि मैं ये कह सकता हूं कि हर आदमी, हर कलाकार ने महाभारत में अपनी छाप छोड़कर, इंसान के दिलों में अपनी छाप छोड़कर गया जी। इस तरह से मेरी कहानी का पहला स्टेप, जिसे कह सकते हैं पहली सीढ़ी, मैं सक्सेस की चढ़ गया। और फिर मैंने फिर लुक बैक नहीं किया, मैंने उसी वक्त अपनी दाढ़ी, अपनी सफेद विग उतार के रख दिए और मैं तरह तरह की भूमिकाएं करता चला गया। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं मुझे टेलीविजन पे मिलती गई और मैं एक के बाद एक इतिहास लिखता चला गया। और आज ये है कि 10,000 एपिसोड करने के बाद, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि अगर आज मुझसे आप ये सवाल पूछेंगे कि सुरेंद्र जी कौन सी ऐसी भूमिका है जिसे आप करना चाहते हैं, तो शायद मेरे पास इसका जवाब नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसी कोई भूमिका अब बची नहीं है मेरे लिए जो बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ थी और जो मैंने नहीं की, चाहे वो परशुराम हो या राम हो या भीष्म पितामह हो या कोई भी ऐसी चुनौतीपूर्ण भूमिका जो रही हो, वो मैंने जरूर की है। जबकि मेरी हाइट, लंबाई, चौड़ाई 6'2" है और काफी लंबा चौड़ा, लेकिन हर भूमिका को मैंने बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया और बड़ी सहजता से निभाने की कोशिश की, और दर्शकों का मुझे बेहद प्यार मिला, आप सब लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दर्शकों। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने लिखा है कि हम भला कैसे भूल सकते हैं अमात्य को, चाणक्य के, तो ये तो दर्शकों ने लिखा है। और एक चीज और, जो मेरे ऐसे में अगर अपनी बात करूं तो देवों के देव महादेव में अपने प्रजापति दक्ष का करेक्टर किया था, तो उनको जानने का मौका, मैं अपनी बात करूं तो मुझे उनको जानने का मौका उस सीरियल को देखकर हुआ, और इस तरह मेरे जितने जैसे कितने लोग होंगे जिनको प्रजापति दक्ष को उस सीरियल को देखकर उनको जानने का मौका मिला। तो मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, और जितने भी हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं कि अमात्य चाणक्य के अमात्य, तो आप, मैं चाहूंगी आप अनुभव भी हमसे शेयर करें। मैं साधारण नहीं हूं, मैं प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा का पुत्र, वो ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की थी, संरक्षण हूं मैं उसका। मैं साधारण नहीं हूं, मैं ही हूं वो जिसने समाज को नियमबद्ध किया है, मैं ही हूं वो जिसने भूमि को उपजाऊ बनाया है। मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं। क्या ये प्रजापति दक्ष का डायलॉग था, पहला डायलॉग था जिसमें पहली बार जब वो महादेव को देखते हैं और दधीची उनसे कहते हैं कि आप महादेव तो प्रभु हैं, आप तो एक साधारण से इंसान है, तब वो कहता है मैं साधारण नहीं, मैं प्रजापति दक्ष। दक्ष की भूमिकाएं शायद सैकड़ों बार आई होंगी, जब जब शिव के बारे में जितनी बार धारावाहिक के बने हैं, जितने बार भी बने उसमें दक्ष जी आए हैं, हर जगह आए हैं, लेकिन देवों का देव महादेव में दक्ष ने अपनी प्रतिभा को पूरे हिंदुस्तान के सामने दिखाया है। मैं अमेरिका लंदन में जब अभी रिसेंटली गया था, अक्टूबर नवंबर की बात है 2019 की, तो मुझे औरतें जो थी, जो इंडियन लेडीज थी, वो रोक रोक के, मतलब उनको यकीन नहीं होता था कि हम दक्ष को ऐसे साक्षात देख रहे हैं, और वो मुझे यही कहती थी कि आपने जो भूमिका को चार चांद लगा दिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी 15-20 फिल्में काजल जी सुपर डुपर हिट हो गई। ऐसे कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते थे लोगों के द्वारा, दर्शकों के द्वारा, हर जगह देश के किसी कोने में भी मैं जाता हूं तो लोग मेरे प्रजापति दक्ष की भूमिका के लिए बहुत बहुत सराहते हैं। और मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कलाकार के तौर पर जब मैंने दक्ष का रोल स्वीकार किया था, हमारे सिन्हा साहब, निखिल सिन्हा जी जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे इसके, तो मैंने उनसे एक बात कह दी थी कि मैं इसको अलग ढंग से करना चाहता हूं, मैं क्लीशे नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे तुम आधे बाल कटवा दो, जैसे कि तिरुपति के पंडे वगैरह होते हैं ना, आधे कटे हुए और शिखा निकली हुई,
मैंने कहा मैं इस तरह का कोई, मैं कोई किसी की कॉपी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल अलग भूमिका को अलग तरीके से करूँगा। तो उन्होंने मुझे पूरी लिबर्टी दी, उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें जैसे करना है कर। और फिर मैंने उसको पूरी अपनी यथाशक्ति लगा के, जिसे कहते हैं एज ए कलाकार के तौर पर, एज एन एक्टर, जो मैंने उसमें जितना कंट्रीब्यूशन दे सकता है एक एक्टर, मैंने पूरी उसमें कोशिश की है। सभी वेरिएशंस थे उसमें, हर तरह के वेरिएशंस थे, मैंने कोशिश की, पूरी कोशिश की कि मैं उसको जस्टिफाई करूं, उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करूं, और मैं काफी हद तक शायद उसके करीब तक पहुंचा हूं दर्शक के। यहां तक कि आप देखिएगा, कभी ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने कभी भी उंगली उठा के कभी उनको चैलेंज नहीं किया है, देव महादेव जी को, क्योंकि महादेव जी मुझे इतने साक्षात लगते थे, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं महादेव जी स्वयं तो नहीं जीवन में धरती पे पधार गए हैं। जब मैंने मोहित रैना को देखता था तो कहीं साक्षात तो नहीं उतर है, तो मैंने कहा अगर कहीं इन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया तथास्तु, मैंने कहा मैं तो गया काम से। इसलिए मैं डर के मारे उनकी तरफ कभी उंगली उठा के, कभी एग्रेसिव वे में, कभी आप क्या है, आप तो ये है, आप तो ये है, ऐसे करके कभी नहीं बात कर पाता। मैं हमेशा अपने हाथ को नीचे रखता था, मैंने कहा आप तो वैराग्य धारण कर रखा है, आप तो परिवार को मानते ही नहीं है। जो डायलॉग थी बड़े ही सरलता से कहता था जब मैं महादेव से बात करता था, और मैंने उस मर्यादा को पूरी तरह से मेंटेन किया कि जब आदमी महादेव से बात करेगा, जब भगवान से बात करेगा, तो उसकी एक मर्यादा होगी, एक उसका कंट्रोल होगा, वॉइस कंट्रोल होगा, बॉडी लैंग्वेज में कंट्रोल होगा। बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल टॉकिंग टू गॉड। मैंने उन चीजों को काफी ध्यान में रखा और पूरी आस्था के साथ मैंने उस रोल को किया, और शायद मैं ये कह सकता हूं कि एज ए कलाकार के तौर पर वो मेरा एक्सट्रीम था, और मैं समझता हूं कि मैं इससे खूबसूरत और अच्छा रोल शायद अपने जीवन में फिर कभी ना कर पाऊं। कहते हैं कलाकार की कोई उम्र नहीं होती है, कलाकार की कोई रेंज भी नहीं होती है, कलाकार हमेशा सीखता ही रहता है, और मैंने भी यही कोशिश की है कि मैं सीख ही रहा हूं। मैं तो अभी तो द्रोण किया था, फिर मैंने किलविश किया था, फिर महाराणा प्रताप किया था, और मुझे फिर देवों का देव महादेव मिला। और मैं एक चीज और, आपने बड़ी अच्छी मेरे दिल पे, मेरी दुखती हुई नस पे हाथ रखा आपने, चाणक्य के बारे में। चाणक्य भले ही कॉमर्स नहीं हुआ था काजल जी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत शो बना था, बहुत ही अच्छा शो बनाया था डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी द्वारा, और उसमें जो था हिंदी नहीं थी बल्कि संस्कृताइज हिंदी थी, जो हमारे हिंदुस्तान में शायद कम लोगों को समझ में आई थी, और यही कारण था कि वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था कमर्शियली। इट वाज नॉट अ वेरी बिग हिट शो, बट हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने शो को बहुत पसंद किया था। मुझे याद है फ्लाइट में मेरी एक बार शरद पवार जी से बात हुई थी, और अपना और मिनिस्टर थे वतन साठे जी थे, तीन चार मिनिस्टर्स थे जिनसे मेरी एक फ्लाइट के ऊपर दिल्ली बॉम्बे के टाइम पे जाते हुए थी। तो जब उनको ये पता लगा कि ये इन्होंने चाणक्य, महाभारत तो द्रोणाचार्य था ही, लेकिन जब उनको पता लगा ये अमात राक्षस है, तो उठ के खड़े हो गए शरद पवार जी, और उन्होंने मुझे ग्रीट किया और कहा भाई तुमने बहुत बढ़िया भूमिका की है, और ऐसा लगता है कि अमात्य अगर रहे होंगे तो ऐसे ही रहे होंगे, इतने ही ग्रेसफुल, इतना ही उनमें ठहराव जो था वो अनबिलीवेबल। और मैं भी अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि चाणक्य का जो रोल था अमात्य राक्षस का, वो मेरे लिए इनिशियल स्टेज पे, जब शायद मेरा वो सेकंड शो था महाभारत के बाद, सेकंड शो अगर मुझे मिला था तो दैट वाज चाणक्य, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आ गया था। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश जो बहुत लंबे लंबे डायलॉग लिखते थे संस्कृताइज, ये मैंने भी मगध के लिए शोणित श्वेत बहाया, शोणित श्वेत मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये है क्या, तो जो उनकी क्लिष्टता थी हिंदी का, जो उनके ऊपर कमांड था
वो कमाल था, मैं तो ये कहूँ। डॉक्टर चंद्र प्रकाश वॉज जीनियस मैन एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी। और मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी महाभारत की टीम में से मुझे ही सेलेक्ट किया था। और बहुत ही चुनौतीपूर्ण, उन्होंने ये भी कहा था कि सुरेंद्र मैं तुम्हें एक विग दे देता हूँ टकला का, आप इसको लगा सकते हैं आप, क्योंकि आप कहीं और भी काम कर रहे होंगे। लेकिन मैंने नहीं, उनको कहा कि नहीं, अगर मैं इस रोल को करूँगा तो मैं अपने पूरे बॉल अपने हेयर हेयर्स को बोल्ड करूँगा, और मैंने पूरे बोल्ड करके उसको किया। और जो ओरिजिनल एक चीज आती है बोल्ड करने में, जो चेहरे पे जो एक तेज आता है, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई विग या गेटअप करके उसमें उतनी ओरिजिनलिटी आ सकती है। तो ये दो भूमिकाएं जो है, अमात्य राक्षस और देव महादेव की प्रजापति दक्ष की, ये मेरे जीवन की बड़ी यादगार भूमिकाएं हैं। और डेफिनेटली मैं शक्तिमान को नहीं भूलूंगा, केल्विश को, जिसमें वो कहता था अंधेरा कायम रहे हमेशा। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी भूमिका थी मेरे लिए। मुकेश खन्ना जी चाहते थे कि अमरीश पुरी जी ये रोल करें, लेकिन मैंने मुकेश जी के यही कहा था कि मुकेश जी आप किसी को दोगे नहीं तो कोई करेगा कहाँ से, पहले आप उसको दो फिर वो करके दिखाए। मुकेश जी ने कहा क्या करोगे, क्या करना चाहते हो तुम? मैंने कहा पहली बात तो इसका जो हुड्डा है यहाँ तक का, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग जो है स्टार वॉर को नहीं समझते। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग समझते हैं कि एक लाउड करेक्टर जो है कैसे लाउड एक्टिंग करेगा, किस तरह से बात करेगा, एलियन है, विलन है, विलन जो है बहुत अग्रेसिव होगा, बहुत हर चीज में मारने काटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करो। तो सबसे पहले सीन में मैंने कहा था शक्तिमान आज तक तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा, आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा देता। और वो हटाता है धीरे धीरे अपना चेहरा और उसको शक्तिमान को दिखाता है। और फिर उसके बाद शक्तिमान की और उनकी सारी 7 साल तक हम लड़ते रहे, ना वो मुझे कभी जीत पाए ना कभी मैं उनको जीत पाया। और अभी भी शायद कभी फिर से अगर शक्तिमान बनेगी तो फिर मैं किलविश बनकर आ जाऊंगा उनके सामने, फिर मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। बोथ वर एक दूसरे के पूरक थे, बल्कि मैं ये कहूंगा। और मुकेश जी ने मुझे पूरी आजादी दी थी हर काम करने के लिए। एंड मुकेश जी वॉज ए वेरी वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड अ ग्रेट एक्टर और नाइस वंडरफुल ह्यूमन, वंडरफुल। हमारे अभी कुछ व्यूअर्स लिख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का नाम लेकर शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, हमारे कुछ व्यूअर्स लिख रहे हैं कि अमात्य का करेक्टर बिल्कुल आप शायद वही रहे होंगे, ये भी जैसे आपने अभी कहा वैसे कुछ हमारे दर्शक भी यही बोल रहे हैं। और शक्तिमान को लेकर कह रहे हैं कि इतना कमाल का प्ले था कि एज अ चाइल्ड एज एन एडोलसेंट उस नाटक को सीरियल को देखते हुए ग्रो हुए, और खासतौर पर जो अंधेरा कायम रहे, जो आपकी आवाज कितनी गूंज वाली आवाज जो थी वो मेस्मराइजिंग थी, ये हमारे बहुत सारे बहुत बहुत शुक्रिया। एंड योर राइटिंग फैंटास्टिक मेमोरीज ऑफ शक्तिमान, यस शक्तिमान वाज टू गुड। और आपका जो क्या कहें, एक से बढ़कर एक चंद्रकांता, चंद्रकांता भी आपका एक सीरियल रहा है। जी जी, चंद्रकांता वाज आल्सो वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर था। उसमें चंद्रकांता में मेरे साथ इरफान खान साहब ने काम किया था, इरफान खान साहब ने मेरे साथ इस चाणक्य में भी काम किया था। और उसके बाद उन्होंने बुलंदियों को छुआ, आज हमारे बीच में नहीं है, बट इज ए ग्रेट एक्टर। हमारी बड़ी अच्छी मेमोरीज है उनके साथ जो हमने शेयर की थी, चाणक्य में भी की थी और चंद्रकांता में भी की थी। और इरफान खान साहब, मनोज दोषी जी, प्रमोद माथुर जी, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मुझे काम करने को मिला। और आज सभी बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर काम कर रहे हैं। बहुत प्रमोद माथुर जी ने खलनायक फिल्म में मेन विलन का रोल किया था, मनोज दोषी जी जो हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर जगह। तो मेरा कहने का मतलब ये है
सभी बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और ईश्वर का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचाया है जहाँ बहुत कम कलाकार पहुंच पाते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों का। यदि आप लोगों का मुझे प्यार नहीं मिला होता तो शायद आज मैं यहाँ पहुंचा नहीं होता। बहुत सारे हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं, मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं उन जो कुछ भी लिखा गया है उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे। वो कमल कुमार वर्मा जी लिखते हैं, सुरेंद्र पाल जी बहुत खुशी हो रही है आपको लाइव चैट पर देखकर। मुझे सुरेंद्र जी आप साथ अरुण नगर की फीचर फिल्म गुर्जर आंदोलन में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का किरदार अदा करना पड़ा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत ही कमाल की अदाकारा है प्रतिमा कानन जी। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं, निखिल दीवान जी लिखते हैं कि लज्जा जी, निखिल दीवान जी लिखते हैं कि लज्जा लज्जा कोई नाटक सीरियल था, उसमें उन्होंने आपके साथ आप उनको काम करने का मौका मिला। कुसुम जम्मू से जुड़ी हैं हमारे साथ जी, श्रद्धा श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया। नीता शर्मा शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे रोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आचार्य जीतू सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, सरला डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, वो लिखती है हमारी गाजियाबाद की शान है आप। थैंक यू सरला जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गाजियाबाद से मुझे बहुत प्यार है, मैंने अपना बचपन वहीं खेला कूदा बड़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, कोई ऐसा किरदार आपका फेवरेट करेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब हो? देवों का देव महादेव का प्रजापति दक्ष काफी बहुत मैंने उसमें मेहनत की है, और टेलीविजन तब तक बहुत आगे पहुंच चुका था जब हमने शुरुआत की थी, तो टेक्निकली हम इतने एडवांस नहीं थे, और अब तो कलाकार इतने अच्छे अच्छे कलाकार आने लगे हैं हर जगह और इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं अब तो, हमें तो कहीं पीछे छोड़ जाते हैं, तो हमें लगता था कहीं हम पीछे ना रह जाए इनके, और इतने अच्छे कलाकार थे। मोनी रॉय के साथ काम करने को मिला, मोहित रैना जी इतने अच्छे कलाकार थे, उनके साथ मुझे काम करने को मिला, और कहीं ना कहीं मैं अपनी पोजीशन बजाता रहा, बस ये लगता रहा कहीं ओवरशैडो ना हो जाऊं, ये लोग मुझे कहीं खा ना जाएं, क्योंकि सभी कोई जब मैं किसी एक्टर से पूछता था भाई तुम कहाँ से हो, तो कहता था मैं एनएसडी से हूँ, मैं कहता था कहाँ सर मैं 25 साल से थिएटर कर रहा हूँ, तो सब बड़े बड़े धुर्रम खान लोग थे, मतलब बहुत बड़े बड़े कलाकार थे जिनके साथ मुझे काम करने को मिला, और मैंने पूरी कोशिश अपनी अपने काम की प्रति मैंने पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन रखा, और इसका नतीजा है आज। तो मैं अपने दर्शकों को भी यही बताना चाहता हूँ कि आप यदि अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे और अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, सब कुछ आप और संघर्ष जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी काम किया है जी, हिंदुस्तान की कोई लैंग्वेज ऐसी छूटी नहीं है जो जिस लैंग्वेज में मैंने काम नहीं किया है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, सभी लैंग्वेज, मराठी, सब लैंग्वेज में काम किया और हर लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया है। भोजपुरी में तनिक अधिक किया है क्योंकि भोजपुरी मेरी मदर लैंग्वेज है, मेरी माँ बोला करती थी ये लैंग्वेज, मेरे फादर बोला करते थे ये लैंग्वेज, तो भोजपुरी से तनिक अधिक प्यार है, और इसीलिए मैंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी भोजपुरी में, ए भौजी के सिस्टर करके,
और बस एक ही की थी, उसके बाद मुझे मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा काम है डायरेक्शन का, जो हर आदमी नहीं कर सकता। जो एक्टिंग का फील्ड है इसी को मैं बखूबी निभा लूं, यही मेरे लिए बहुत है। और मैंने कोशिश यही की है कि ईश्वर ने जो काम आपको दिया है आप उसे ईमानदारी से करें, बस। बहुत सटीक बात और बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं एज अ हीरो और एंड एज अ विलेन, अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं आपने फिल्मों में, तो आपका फेवरेट डायरेक्टर और आपकी जो फेवरेट फिल्म आपको लगता है कि बहुत चैलेंजिंग रही है ये फिल्म मेरे लिए, तो कौन सी कहेंगे आप? देखिए अभी मैंने रिसेंटली कंगना रनावत जी के साथ रंगून फिल्म की थी और उसमें मैंने नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हमारे जो सभी लोग जानते हैं विशाल भारद्वाज जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला मुझे। सुभाष घई जी के साथ मैंने पहली फिल्म की थी क्रोधी, जिसमें मैंने विक्टर इंजीनियर का रोल किया था। उसके बाद मुझे जेपी दत्ता साहब मिल गए थे, जिनके साथ मैंने गुलामी की थी जिसमें मैं डाकू बना था सूरज भान से। तो ईश्वर ने मुझे डायरेक्टर जितने भी दिए, और जोधा अकबर मैंने अभी की थी आशुतोष गवारीकर जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो मेरे डायरेक्टर जितने भी थे सभी बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर थे और सबके साथ मैंने पूरी शिद्दत के साथ कैरेक्टर निभाया, जो भी मिला मुझे पूरी ईमानदारी से किया। और मैंने ये भी देखा है कि मेरे कैरेक्टर को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं टेलीविजन में इतना बिजी रहता था, इतना बिजी और इतना बिजी होकर काम करता था कि शायद मुझे 30 के 30 दिन जो थे कम पड़ जाते थे मुझे काम करने के। तो यही कारण है कि जिसके कारण मैं फिल्मों में अपना समय नहीं दे पाता, समय नहीं दे पाता। और मैं काम करने के वक्त जो था फिल्में कम की मैंने, इसीलिए कम की क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक नाव पे पांव रख के चलूं, मैं टेलीविजन को पहले पूरी तरह से ग्रैब कर लूं, पहले मैं टेलीविजन का एक तार जाऊं, उसके बाद फिर मैं दूसरा कदम कहीं रखूं तो ठीक लगता है। अगर मैं फिल्मों में भी भागूं टेलीविजन में भी भागूं तो ना मैं फिल्म का कलाकार रह पाऊंगा ना मैं टेलीविजन का कलाकार रह पाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई दो नाव में पांव रखकर अगर आप चलोगे तो गिरोगे कहीं ना कहीं। इसलिए जो काम तुम्हें मिला है उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाओ। अगर तुम्हें थिएटर मिला है तो थिएटर करो, अगर टेलीविजन मिला है टेलीविजन मिलो, और फिल्म मिली है तो फिल्म, आजकल वेब सीरीज भी बहुत ज्यादा बनने लगी हैं। तो पहले जैसे हम लोगों को काम बहुत कम मिलता था, काजल यदा कदा मिला करता था, लेकिन आज जो है मैं देख रहा हूं कि कलाकारों को काम बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं, जो एडजस्टमेंट करने की, जैसे 600 एपिसोड बनते हैं, तो जो आजकल कलाकार दिल्ली बॉम्बे से आते हैं, कलकत्ता मद्रास से आते हैं, उनको फटाफट काम मिल जाता है। हम लोगों को इतनी जल्दी काम कभी नहीं मिला। हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी कि भैया हमारा काम देख लो, क्योंकि हम लोग ये देखते थे कि काम देखने के चक्कर में कई बार हमारे चेहरे की पॉलिश ही ना उतर जाए, कहीं हम लोगों का चेहरा ही ना खत्म हो जाए, कहीं ऐसा लगता था कई बार कि कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी एक डाउट सा लगता था। बट समहाउ कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। क्या बात। सर आपसे जुड़ा एक किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था, दिलीप कुमार साहब जो लेजेंड रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, तो मैं चाहूंगी वो किस्सा आप हमसे जरूर शेयर करें। उन्होंने एक बहुत इंस्पिरेशनल बातें कही आपके लिए, आपका कोई सीरियल देखकर वो बहुत इंस्पायर हुए थे आपसे कि बहुत कमाल का है, कोई शगुन करके कोई सीरियल था आपका, दिलीप कुमार साहब से जुड़ा आपका एक इंसिडेंट। दिलीप कुमार साहब यस यस यस, वो मेरी जिंदगी का एक बड़ा ही खूबसूरत
लम्हा था, मैं कह सकता हूँ एक इंसिडेंट था मेरे जीवन का। बस उस दिन मुझे लगा था कि कलाकार के तौर पर मैंने वो सब कुछ पा लिया है जो मैं पाना चाहता था। और बहुत कम कलाकारों को ये सौभाग्य मिलता है कि दिलीप कुमार जैसे लेजेंड आपके बारे में दो शब्द कहें। और ऐसे ही था, मैं एक पार्टी में गया हुआ था, वहां पे मैं मेरे बच्चे का बर्थडे था, किसी उनके बच्चे का दोस्त का बर्थडे था और वो बैंड्रा पाली हिल में था, तो मैं उसको लेके गया था। तो उन्होंने कहा सर आप 2 घंटे बाद, जैसे कि बच्चों को 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, छोटा था, बहुत छोटा था, 3-4 साल का था, 4-5 साल का था, तो उन्होंने कहा छोड़ देते हैं इसको, तो आप 2 घंटे बाद लेने आ जाइएगा। तो मैंने कहा बैंड्रा से मैं वर्सोवा तक कैसे जाऊं, मैं वहीं रुक गया और मैंने उनसे कहा कि मैं यहीं बैठ जाता हूं। तो मैं वहीं बाहर एक कुर्सी डाल के बैठ गया कि 2 घंटे कहां जाऊं, मैं यहीं बैठ जाता हूं। इतनी देर में मैंने देखा कि दिलीप साहब और सायरा बनर्जी आ रहे थे, उनके एक रिलेटिव थे। तो जैसे ही वो वहां पे आए तो आगे चले गए, तो मैंने उनको खड़े होकर उनका अभिवादन किया, नमस्कार। तो उन्होंने मेरा हल्के से ही अभिवादन स्वीकार करते हुए 4 कदम आगे बढ़े तो वहां जाके रुक गए और रुक के मेरी तरफ पलट के उन्होंने ये देखा। जब मेरी तरफ देखा तो मैं खड़ा हो गया अपनी कुर्सी पर। आए बोले भाई मिया तुम वही तो हो 2 बेटियों के पिता। मैंने कहा जी 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 जी। मैंने कहा अरे चलो इन्होंने पहचाना मुझे। मैंने कहा जी सर। मैं तो हाथ ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था जैसे भक्त और भगवान के बीच में एक समन्वय बनता था, बिल्कुल उसी तरह का समन्वय मेरा बन गया था। तो सायरा जी को बुलाया उन्होंने, कहा इधर आइए भाई, यही है वो 2 बेटियों के पिता। माफ करिएगा मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है। मैंने कहा शगुन। बोले हाँ शगुन शगुन। तो सायरा जी बोले कि जैसे ही शगुन आता है तो फौरन कहते हैं भाई टीवी लगा देना, मेरा सीरियल आ रहा है। और फिर उन्होंने जो मेरे से बात की आधा घंटा, मेरा हाथ पकड़ के आधे घंटे तक वहीं खड़े हो गए। अरे भाई तुम तो कमाल के कलाकार हो, तुम्हारा बात करने का डायलॉग डिलीवरी का अंदाज ही अलग है। भाई मुझे वो सीन बड़ा पसंद आ रहा था जिसमें तुम्हारा भतीजा जो है तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले लेता है और तुम छड़ी लेके कोर्ट में जाते हो, कहता आओ चाचा तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो तुमने कहा अभी इतना बुढ़ा नहीं कि सहारे की जरूरत पड़े, मुझे सहारे की जरूरत नहीं। अरे क्या तुम्हारे आंखों में क्या एक्सप्रेशन, मुझे लग रहा था माई ड्रीम्स कम्स ट्रू हे प्रभु, ये मैं सपना देख रहा हूँ दिलीप कुमार का, या ये बातें सुन रहा हूँ ये हकीकत है या ये सब सपना है। और मैं आपको काजल जी सच बता सकता हूँ कि मेरे वो जीवन का सबसे प्यारा लम्हा था जो दिलीप साहब के साथ मैंने गुफ्तगू की थी। और उन्होंने कहा था सारा जी से कि आप जब भी कोई धारावाहिक बनाएं तो पिता के रोल के लिए इन्हीं को लीजिएगा, इन्हीं को, इनसे अच्छा कलाकार कोई नहीं हो सकता। और एक कॉम्प्लीमेंट दिलीप साहब से मिलना वो मेरे जीवन का एक बहुत ही सुनहरा पल था और एक सुनहरी यादें हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आना ही सफल हो गया है। क्यों सर क्या बात, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। क्या बात। अब मेरा एक लास्ट सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ व्यूअर्स के बता दूं, नाम पढ़ लूं। कामना हमारे साथ जुड़ी है, अय्याश आरिफ साहब मीडिया कर्मी हैं, दूरदर्शन सीरियल्स वगैरह बनाते हैं, मीडिया कर्मी हैं, डॉक्टर है, जुड़े हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी व्यूअर्स का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सर पैशन बहुत जरूरी है, शॉर्टकट्स नहीं है,
और यंग परफॉर्मर्स के लिए मुंबई जो जाना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तीन सवाल एक ही सवाल में कर दिए हैं यंग परफॉर्मर्स के लिए। जी सर, सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? हेलो सर आवाज आ रही है? सर आवाज मेरी आ रही है? सर आवाज इसके बगैर भी कर सकते हैं सर हम बिना एयरफोन के भी? हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई बात नहीं सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर यंग परफॉर्मर्स की तरफ से मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रही हूँ। पैशन बहुत जरूरी है, शॉर्टकट नहीं है। मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। कई बार जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं एज यूजुअल नेटवर्क के इशू हो जाता है और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सर अभी कोशिश करें कि सर वापस आ जाएं, दोबारा से ज्वाइन कर लें, हमें देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आ गए हैं, बस हम उनको ले रहे हैं और उनके साथ जो हमारा बात। जी सर सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। थोड़ा सा मामा शकुनी आ गए थे हमारे बीच में और उन्होंने मेरा ये सब खराब करके चले गए थे। और वैसे भी मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ और मेरी आवाज साफ आ रही है, क्लियर है साफ? बिल्कुल सर। चलते चलते एक सवाल लास्ट में, जो यंग परफॉर्मर्स हैं उनके उनकी तरफ से कि पैशन बहुत जरूरी है, शॉर्टकट नहीं है और मुंबई आना चाहते हैं, और उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह के टिप्स देंगे, क्या कहेंगे आप? पैशन कितना जरूरी है, शॉर्टकट्स नहीं है? राजल जी, मैंने इसके बारे में पहले ही सबसे पहला शब्द मैंने जो शुरुआत की थी मैंने उसी उसी में कह दिया था कि ये जीवन इतना सरल नहीं है। एक मिनट जी सर, मैं अपने दर्शकों को एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूं। देखिए, हर आदमी जो है उम्मीद के सहारे जीते और प्रयास करते रहते, कोशिश करते रहते, अपने लक्ष्य को जोर काम करते रहते हैं। आपको हर दिन अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना होता है। और जीवन में एक बात बता दूं, कोई चीज आसानी से मिलती नहीं, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जीवन ही संघर्ष है आपके लिए। देखिए, अगर लोगों को ये लगता है कि मैं इतनी बड़ी इस जगह पे पहुंचने के बाद शायद मेरा संघर्ष खत्म हो गया है, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि संघर्ष मेरा भी खत्म नहीं हुआ, मेरा भी संघर्ष चलता है। मेरे आज भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है, अमिताभ बच्चन को भी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिन रात काम करना पड़ता है, कई कई रात आप सो नहीं पाते, रात की लेट नाइट शूटिंग होती रहती है, उसमें भी आप काम करते रहते हैं। और तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट दैट इजी। और अपने सभी आने वाले दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया, ये खेल का मैदान है, पूरी तरह से खेलने की आपको आजादी है यहाँ पे। अगर आप अच्छे प्लेयर बनकर खेलेंगे तो आपका टीम में 100% सिलेक्शन हो जाए। यदि आप खेलने के पहले ही शराब, मदरापान, घूमना, पिक्चर देखना और इन अय्याशी की चीजों में अगर आप अपना समय व्यतीत कर देंगे और व्यर्थ में अपना टाइम खराब करेंगे तो वो उसका कोई जगह नहीं है। और
ये सब चीजें जो है मद्रापान और ये ड्रग, ये सब चीजें जो है बहुत गलत चीजें हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। मानसिक तौर पे इसका बहुत ज्यादा और जिसकी वजह काफी जी सर मुश्किलात आती हैं। जी सर जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है ना सर? आ रही है बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हाँ कि आपको पूरा मौका मिल रहा है यहाँ काम करने के लिए, आप मेहनत करिए, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और यदि आपने यहाँ पे अपना करियर बनाना है तो आपके लिए फील्ड पूरा खुला, आप अच्छे प्लेयर हैं, खेलने के लिए मौका मिलेगा, अच्छे नहीं है आउट होके फील्ड के बाहर बैठे। ये लाइन ही ऐसी है काजल जी, यहाँ कोई किसी को मदद नहीं कर सकता है, ना कोई किसी का फादर कोई किसी को एक्टर बना सकता है। यहाँ पे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के भी बेटे आए हैं जो पूरी तरह से फ्लॉप होकर वापस चले गए, लेकिन जो एक्टरों ने मेहनत की है, जैसे ऋतिक रोशन है, उसने बहुत मेहनत की है, सर हमें आपकी आवाज जी, मेरे ख्याल से काजल जी मेरे मेरे मोबाइल की बैटरी जा रही थी, जिसके कारण साउंड में आपकी साउंड मुझे नहीं आ रही है, लेकिन मेरी साउंड शायद आपको सुनाई दे रही होगी। मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है, थोड़ी सी वो आ रही है मुझे। जी सर बस हमारा ये आखिरी ही था जो आपने कहा सबके लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे, इसी तरह से आपके साथ मुलाकात करेंगे, और अपने सभी दर्शकों का जो प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। रोहित, दीपाली जी बहुत बहुत शुक्रिया, जीतू बहुत बहुत शुक्रिया, आचार्य जीतू सिंह बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अय्यर साहब शुक्रिया, युवराज सर थैंक यू, प्रतिमा जी बहुत शुक्रिया, कुसुम थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, कमल जी थैंक यू, नीता थैंक यू, विनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रद्धा प्रतिभा जी का तो मैं थैंक यू बोल चुकी हूँ, सरला जी का भी मैं थैंक यू, निखिल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, निखिल जितने भी, अशोक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक भौमिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरजीत जी हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, संध्या गुप्ता जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुचित्रा गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और नीरज जी, नीरज कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, और कल हमारे साथ नीरज कौशिक ही रहे हैं एज ए सेलिब्रिटी, जो एक रंगकर्मी है, बहुत अच्छे रंगकर्मी है, बहुत बड़े रंगकर्मी है, लेखक है, तो कल शाम को 7 बजे हमारे साथ नीरज कौशिक जी जुड़ेंगे, तो रहिएगा हमारे साथ, कल शाम को फिर से आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।